नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल यानी जो 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन होना है, जिसके अभी फॉर्म चालू है। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों 18 दिसंबर है। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए दोस्तों, अभी टाइम है। एसएससी सीएचएसएल यानी जो 10+2 लेवल यानी 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल में आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो मैंने एक वीडियो पहले भी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको ऊपर राइट लाइन में अभी स्क्रीन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर लीजिए तो वो आप वीडियो देख पाओगे। उसमें टोटल इन्फॉर्मेशन है कि कितनी इसकी फ़ीस है, कितनी टोटल वैकेंसीज़ है और क्या इसका प्रोसीजर है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल जो 10+2 लेवल है उसका टायर 1 का सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। चार पार्ट्स होंगे इसके, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। चारों ही पार्ट 25-25 क्वेश्चंस आएंगे चारों ही पार्ट में से, और चारों ही पार्ट 50-50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ये हो जाएंगे 200 मार्क्स, और जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 1 आवर का, यानी 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। पहले जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, आज से पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपको टाइम ज़्यादा था, इस बार टाइम घटा दिया है, क्वेश्चन 100 के 100 रख दिए हैं। ठीक है, तो आपकी स्पीड आपकी इंक्रीज होनी है। अब हम देखेंगे इसके पर्टिकुलर सेक्शन वाइज टोटल डिटेल में सिलेबस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस की, यानी जिसे आप रीजनिंग भी कहते हो। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस बताऊंगा, साथ में इतना बताऊंगा कि उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, यानी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला है एनालॉगी, 4 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं। फिर है ब्लड रिलेशन, 1 क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से। क्लासिफिकेशन है जो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज़ के क्वेश्चन भी 4 से 5 आ जाएंगे आपके। वेन डायग्राम के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितने भी हो आ सकते हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशंस यानी जो कोडिंग डिकोडिंग है, यह पार्ट आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। 2 से 4 का मेरा मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मतलब ये एस्टिमेट है इसका। अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मिसिंग नंबर्स यानी जो सीरीज चलती है उसमें कोई मिसिंग नंबर होता है कहीं पर भी, उसका 1 क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप नीचे देखिए दोस्तों, टोटल 12 टॉपिक है ये। फिर है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। वर्बल रीजनिंग के भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी जो डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन है वो भी आपके कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपके हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें पहला टॉपिक है क्लोज टेस्ट, जिसके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम, जिसके 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेलिंग्स 2 क्वेश्चन। फ्रेज आइडिया मीनिंग एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो पैसेज आपका आता है उसके 0 से 7 क्वेश्चन। अब 0 से 7 क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि या तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, कई बार आता ही नहीं है। आता है तो 7 क्वेश्चन तक, यानी 0 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में कोई कितने भी टाइप इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का 1 क्वेश्चन। पैरा जम्बल्स या सेंटेंस जम्बल जैसे आप कहते हैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन। और जो लास्ट टॉपिक है इसका वो हमारा एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स, उसके 7 से 8 क्वेश्चन। यानी ये तीनों जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, इनके मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है दोस्तों आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये पार्ट वैसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन इसके वैसे 25 ही आएंगे, लेकिन कुछ ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। पहला टॉपिक है आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है एलजेब्रा, इसके 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योमेट्री, उसके 2 से 3 क्वेश्चन। फिर है मेंसुरेशन, जिसके 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। नीचे और हमारा सिलेबस है दोस्तों, ये देखिए। फिर है आपके इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आ सकता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस साइड हमारे कुछ और सिलेबस बाकी है, ये देखिए दोस्तों। परसेंटेजेस के 1 क्वेश्चन आ सकता है। नंबर जो नंबर सिस्टम है इसका आपके 0 से 1 क्वेश्चन, या तो ये आता ही नहीं आता है तो 1 क्वेश्चन तक आ सकता है। एवरेज के 1 क्वेश्चन। अगर आपको ये सिलेबस लिखना हो तो दोस्तों वीडियो पॉज करके बीच बीच में आप सिलेबस लिख भी सकते हैं। अब है आपका लास्ट या 4th पार्ट, जो आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को या तो मैं ये कह दूँ कि ये इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके कहीं ना कहीं जनरल साइंस और करंट जीके का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी जो 25 क्वेश्चन होंगे ना वो इन सभी टॉपिक्स के मिक्सचर होंगे। ठीक है,
ये टॉपिक आपको हर जगह नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे टॉपिक लिख लीजिए ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। पहला है एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सोसाइटी, यानी आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं, और जो करंट इवेंट्स है वो तो आएंगे ही आएंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, साइंटिफिक रिसर्च, इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके टोटल जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। यानी एक हिसाब से मैं कह दूँ तो ये जीके का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सिलेबस। अगर आपको कोई भी और डाउट हो या कोई भी और कुछ वीडियोज़ की नीड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या और नीड है, किस और वीडियो की नीड है। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, फॉर्म भर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी टाइप के और वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नए एक वीडियो में।